अकाउंट्स आपने एक बार पढ़ लिया, 11 टेस्ट सर एक बार नहीं सर तीन बार पढ़ के आते हैं, मतलब पूरी रामायण पढ़ के जानिए, यू हैव टू पुट इट ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एपिसोड 3 ऑफ आवर टॉक शो विजय पथ। जैसे नाम में लिखा है, हियर वी डिस्कस द अप्रोच एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। एंड आज हम ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो बच्चों को जिटर्स देता है और नाइटमेयर्स देता है, एंड दैट सब्जेक्ट इज टैक्सेशन। एंड टू सॉल्व द चैलेंजेस ऑफ दिस सब्जेक्ट, वी हैव द एस्टीम्ड फैकल्टीज ऑफ टैक्सेशन विद अस, अरविंद तुली सर एंड जसप्रीत सिंह जौहर सर। It's a pleasure to have you on the show with us. Thank you. Sir has a teaching experience of 22 years and Jasprit sir has teaching experience of 21 years. So students, today we have in collation 43 years of teaching experience guiding you all. So sir, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूंगी, जैसे 6 months बचे हैं अपने CA intermediate के May 23 examinations के लिए, तो दो सवाल है अभी बच्चों के मन में। सबसे पहला सवाल कि कोचिंग्स कब लेनी चाहिए टैक्सेशन की, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ दिस सब्जेक्ट फॉर द डेज टू कम, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू, इंट्रोडक्शन बहुत सही दिया। आई कॉल इट द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। फिर मैं बच्चों को बोलता हूँ फादर कौन है पता नहीं हमें, बट ये सब्जेक्ट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। I'm sure the accounts teachers will disagree, sir. Yes. But see, tax me, you're right. Amendments, notifications, circulars. But I think ICAI ne sir bahut clear kara hua hai demarket ki agar May 23 ka paper hai, up till October jo bhi change aa gaya, bas utna hi aayega, uske baad nahi aayega. 6 months before the paper. Right. And nowadays ICAI does a very simple thing. What they do is they give you the statutory updates up till a particular attempt, and then 6 महीने बाद जो आते हैं एक file दे देते हैं. And I think that is the best approach to follow. And if they are following either sir or me, I'm sure they will be up to date with all those amendments. As far as my you know understanding of the subject goes, abhi tak coaching 6 mahine padhe shuru hogi, and I think the coaching will go up till December, maximum January tak jayegi. But this is one subject jahan par mere hisab se kam 3 revision chahiye. And considering sir, jo attempt is aajkal paper aa rahe hai na. So one is the comprehensive study, then I say one is a detailed revision wherein aap pura revise kar rahe ho concepts ko, because this memory based bhi hai. Then there is you know before the paper or tax ki last revision mein 15 din se upar ka gap nahi hona chahiye. So therefore what I always advise is that let's say 25th or 26th of April ko abhi mark kar lo aur hum full day revision karenge us din, ताकि उसमें और लास्ट जब पेपर हो उसमें 15 दिन से ऊपर का गैप। राइट सर, एनीथिंग टू ऐड ऑन? हाँ श्योर, इसमें एक चीज ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को, कि कम से कम बेयर मिनिमम आपको 5 पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स अपने हाथ से सॉल्व करके जाते हैं, साथ साथ में रिविजन टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स जो है कम से कम 5 लास्ट 5 एग्जाम्स के वो आपको जरूर करके जाने चाहिए। टाइम टू टाइम सी इंस्टीट्यूट जो है वो अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए केस स्टडीज के बुकलेट इशू करता है, और इनकम टैक्स में तो मेरे ख्याल से इन्होंने 35 केस स्टडीज दिए हुए हैं। वो सारे केस स्टडीज प्लस जीएसटी की केस स्टडीज एमसीक्यूज आपको वो कम से कम 2 बार करके जा रहे हैं, और इस बार तो ऐसा सुनने में भी आया है कि 2 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली वहीं से उठ के आए हुए थे। तो अगर आप उनको ब्रशअप करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत बहुत एडवांटेज मिलता है, और आपका रिविजन कम्प्लीट है। फिर वो जैसा सर ने कहा कि आपने कम से कम 3 रिविजन्स करनी है, और उसके बाद अगर आप 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स अपने हाथ से सॉल्व कर रहे हैं, आरटीपीएस एमटीपीएस एमसीक्यूज के बुकलेट अगर आप करके जा रहे हैं, आई थिंक यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, आई थिंक यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, यू विल बी सेफ इन द एग्जामिनेशन। टोटली एग्री, टोटली एग्री सर। एक आई थिंक ओवर हियर आई विल आस्क अ क्वेश्चन इफ यू अलाउ मी। बच्चे ना रीइन्वेंट करना चाहते हैं, दे वांट टू डू 100 क्वेश्चंस, दे वांट टू डू सो मेनी क्वेश्चंस, बट आई थिंक आईसीएआई ने बहुत सारे एमटीपीस आरटीपीस पीवाईक्यूज एंड आपने केस स्टडी का बताया, अगर बच्चे इन्हीं को बारी बारी कर जाएं, एंड यू नो दे आर नॉट ऑलवेज लुकिंग एट डूइंग न्यू क्वेश्चंस एवरी टाइम, इट सर्व्स द पर्पस। एग्जैक्टली। जब कभी भी कोई नया क्वेश्चन देता है ना,
तो नया क्वेश्चन सबसे पहली बार एग्जाम के अंदर आता है, उसके बाद वही क्वेश्चन कुछ टाइम के बाद आरटीपी में रिपीट होता है, वही क्वेश्चन कुछ टाइम के बाद एमटीपी में रिपीट होता है। तो आप 100% सेफ कभी फील नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी क्वेश्चन करते हैं, आप 100 कर देंगे एग्जामिनेशन के अंदर आपको 101 बार नया क्वेश्चन मिल जाएगा। Absolutely, 100%. आपको हमेशा नया क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, आपको कभी भी नया क्वेश्चन आरटीपी के अंदर एमटीपी के अंदर नहीं मिलने वाला, अपार्ट फ्रॉम द केस स्टडीज जो वो लोग आजकल दे रहे हैं। तो इस वजह से कीप योर कंसेप्ट्स थोरो, जितना ज्यादा डिटेल में अगर आप जा सकते हैं उतना ज्यादा डिटेल में जाएं, दैट इज सर्व द पर्पस। अगर जितना डेप्थ पे जाओगे उतना स्विमिंग विल बी इजी, सो यू हैव टू जस्ट गो टू द डेप्थ। अभी वो टाइम गया जहाँ ऊपर ऊपर पढ़ के आप टैक्स का पेपर दे सकते थे, नहीं दे सकते। एंड सो देयरफॉर नाउ कम्स अ टाइम, एंड इस बार बच्चे आए कहते सर मैंने पिछली बार का पीवाईक्यू दिया बहुत आसान है, हमारा वाला मुश्किल है, तो वो तो हो गया ही ना, बिकॉज न्यू क्वेश्चन आर कमिंग। बट इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड यू आर राइटिंग द वर्किंग नोट्स एंड यू आर प्रेजेंटिंग इट एज आईसीएआई वांट्स इट, स्टेप मार्क मिल रहा है, देन इवन इफ यू नॉट यू नो यू हैव केसेस वेयर बच्चों ने शायद 100 मार्क्स का नहीं भी अटेम्प्ट कर पाए क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आ रहा है, बट अगर आपने 80-90 मार्क्स का भी करा स्टेप मार्क्स लेके यू कैन स्टिल स्कोर एन एग्जेम्पशन। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग यू शुड बी डूइंग इट दैट वे। सो बेसिकली टू सम इट अप, एक फेज्ड मैनर में पढ़ाई होनी चाहिए कि पहले यू आर गेटिंग हैंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, देन यू आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, देन यू आर प्लानिंग दोस 1.5 डेज बिफोर एग्जामिनेशंस, देन यू आर सॉल्विंग द पेपर्स एंड देन यू आर डूइंग द कंपाइल्ड स्टडी ऑफ एवरीथिंग, आरटीपीस, एमटीपीस, पीवाईक्यूस, एवरीथिंग। मतलब पूरी रामायण पढ़ के जानिए, यू हैव टू पुट इट ऑल, बिकॉज़ टैक्स इज अ टॉप पेपर, सो आई थिंक लेट्स पुट इट दैट वे, वी कैन सिंपलीफाई इट बाय मेकिंग श्योर दैट दे वर्क हार्ड, दे विल हैव टू। सो सिंप्लीफिकेशन की बात आपने कर ही दी है, तो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एमसीक्यूज सर इन टैक्स पेपर? जैसे दो ओपिनियंस है यहाँ पे कि यार एमसीक्यूज है 30 मार्क्स के, ये तो इजी गोइंग है, लेकिन जितना आई हैव सीन द पेपर्स एंड जितना मैंने स्टूडेंट्स से समझा है कि एमसीक्यूज ही इतने लेंदी आते हैं और स्टूडेंट्स को वो ही अटेम्प्ट करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाइल स्टडिंग एमसीक्यूज? मैम, आई कॉल एमसीक्यूज लाइक माइंड चॉपिंग क्वेश्चंस, दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अच्छा एमसीक्यू है, ए बी सी डी है, मैं कहीं पर भी उंगली रखूंगा उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन है तो प्रॉबिलिटी 25% की है, अगर मैं सब पे ए मार्क का कराऊंगा तो 25% प्रॉबिलिटी है कि मेरा वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इट वोंट वर्क लाइक दैट। दीज एमसीक्यूज आर माइंड चॉपिंग क्वेश्चंस, ये आपका दिमाग खराब कर देते हैं। जो उनके ऑप्शंस दिए होते हैं वो सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं, सिमिलर लगते हैं। एंड अनटिल दिस यू आर वेरी वेरी थॉरो विद योर कॉन्सेप्ट्स, आप उन चारों ऑप्शन में से जो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि आपने आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। अगर आप ये सोचें कि मैं सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाके एमसीक्यू फेस कर दूंगा तो नहीं होने वाला। सो जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड, बिकॉज़ सी एमसीक्यूज विल आइदर मेक योर अटेम्प्ट और ब्रेक इट, क्योंकि एमसीक्यू में दो ही बातें, या तो दो नंबर आएंगे या दो नंबर जाएंगे। एंड एमसीक्यूज को बच्चों को दे शुड नॉट अप्रोच इट एज एन एमसीक्यू, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, उसको नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर कीजिए एंड देन गो एंड लुक एट द ऑप्शंस। आई थिंक व्हाट प्रॉब्लम मोस्ट स्टूडेंट्स डू, वो ऑप्शंस पढ़ लेते, क्वेश्चन का पैराग्राफ है आपने वो पढ़ा, सीधे ऑप्शंस पढ़ लिए, नाउ यू आर कंफ्यूज। देयरफॉर आई सेड डोंट रीड द ऑप्शंस, रीड द क्वेश्चन व्हाइल रीडिंग इट। सो आई हैव अ वर्डिंग कॉल्ड रीड स्लोली, think clearly, stay calm and write fast. So while reading the question, you must be analyzing every line. Wo time bache hote na, and they've just lost all the points, they've not stopped at a date, kaun sa saal ka hai, usme kaun sa section involved hai, padhte padhte aapko solve karna hai, aur agar aap wo kar loge to options aapko clearly dikh jayega kaun sa wala sahi hai, because you've already solved it. So MCQ should be treated as a normal question. And yes, like sir said, बहुत practice चाहिए, क्योंकि ICAI के खासकर सर income tax के MCQs का level इतना high हो गया है, sometimes I feel final के level के MCQs अब intermediate हैं, so yes, practice चाहिए। तो MCQs के लिए practice and to add to it, यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं चलने वाली है for sure। इससे सर एक common question जो recently तो बहुत उठ के आ रहा है कि tax का एक ऐसा paper है जो बस bouncer पे bouncer आते जा रहा है since past 4 attempts। कितनी भी पढ़ाई कर ले, ये एक पेपर ऐसा है जो डिफिकल्टी जाता है एग्जामिनेशन में, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच टू स्टडी फॉर दिस पेपर एंड एग्जाम में कैसे इसको फेस किया जाए? इट्स द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, अभी बताया आपने सर, इसमें डेटा इतना ज्यादा है,
एंड उसको एनालिटिकली एनालाइज करना आपको. इट्स नॉट जस्ट कि रट्टा मार लिया तो हो गया. सो यू डोंट हैव टू जस्ट मेमोराइज इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू लर्न हाउ टू अप्लाई इट. एंड डेटा मेक्स इट यू नो द क्वांटिफिकेशन ऑफ द डेटा इफ आई लुक एट इट, इतना सारा है कि उसको याद रखना मुश्किल होता है. सो आई थिंक वी जस्ट एक्सप्लेन, सर एंड मी एग्री ऑन दैट. कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, डुबकी मारो, उसके बाद डिटेल्ड रिविजन करो, लास्ट डे रैपिड रिविजन 15 डेज बिफोर द पेपर, डू ऑल द एमसीक्यूज, प्रैक्टिस थरली, एंड दैट्स आई बिलीव द ओनली वे यू कैन डू इट. सो लिटिल बाय लिटिल, एन आवर गोज बाय लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल यू हैव टू प्रैक्टिस. अच्छा, I'll add on one thing to this, sir. Students एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि examination से पहले they don't take adequate sleep. उससे क्या रहता है कि वो जो दिमाग थका होता है, तो थका हुआ दिमाग ना कई बार सीधी सीधी बातें भी ठीक से analyze नहीं कर पाता, और paper थोड़ा सा tricky आ रहा है, तो वो tricky paper तो बिल्कुल भी analyze नहीं कर पाता. I can assure you this thing, कि student ने एक एक concept class में पढ़ा होता है, क्लास और बाइक क्लास. अब वो दिमाग उसका इतना थका हुआ है, क्योंकि एक तो टैक्स पेपर वैसे ही लास्ट पेपर, वो तीन पेपर पढ़ के थक चुका है, चौथे पेपर में आते आते वो अपनी सारी एनर्जी दे चुका होता है, और इतना थका हुआ दिमाग लेकर वो एग्जामिनेशन हॉल में जाता है कि जो चीज़ें थोड़ी सी टफ होती है ना, उसको भी वो एनालाइज नहीं कर पाता और अच्छे से. तो वट आई सजेस्ट एवरीबडी, मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ ये चीज़, कि टेक अ वेरी गुड स्लीप, मे बी ऑफ 10 hours, 12 hours sleep, fresh mind से जाओगे ना, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें क्लिक कर जाती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. इफ़ यू गो विद अ फ्रेश माइंड, थके हुए दिमाग से जाओगे, यू हैव लॉस्ट हाफ ऑफ द बैटल. प्लस सर, इट्स ऑल अ माइंडसेट गेम. आई थिंक सीए के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, यू बीन वन, आई बीन वन, दो माई डायमंड्स से बट बच्चा क्या सोच रहा है, अरे यार 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, 8 महीने से पढ़ रहा हूँ, बस अब 4 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, पेपर खत्म. ये माइंडसेट गलत है. आप 8 महीने से पढ़ रहे हो उन 4 दिन के लिए, यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच. इट्स लाइक सेइंग वर्ल्ड कप फाइनल आ रहा है, चलो यार बस घर जाने के लिए 3 घंटे रहेंगे, उसके बाद घर चलते हैं. दैट्स द रॉन्ग अप्रोच. सो सर सेड वेरी राइटली, यू नीड स्लीप, बट यू नीड द राइट एटीट्यूड. यू शुड बी फ्रेश गोइंग इनटू द पेपर हॉल, एक्साइटेड टू सॉल्व द पेपर, और वो माइंडसेट होगा ना, यू विल ऑलवेज डू इट. एंड द पेपर इज टफ, एंड क्यों नहीं होगा, मुझे बताओ इससे ज्यादा मुश्किल कौन सी डिग्री है पूरे इंडिया में. इनफैक्ट आई से सर, द इंडियन सीए इज द टफेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री इन द वर्ल्ड. आप एसीसीए देख लो, आप सीपीए देख लो, दे आर मच इजियर देन द इंडियन सीए. एंड प्लस देयर इज, लुक एट द कंपटीशन वी हैव, यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. सो रेज द लेवल, आईसीए नहीं गिराने वाला, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा. तो सही बोला सर आपने, एडिक्वेट स्लीप वन डे बिफोर एग्जामिनेशन. एंड एक्चुअली आप स्टूडेंट्स लोग, यू टेक इनसेन कॉल्स इन जस्ट अ डे बिफोर एग्जाम्स, की एक ही तो नाइट मारनी है, ये ही सबसे लेंथी पेपर है, तो इसमें नाइट मार लेते हैं, हो जाएगा सब कुछ. तो सर एक्चुअल अप्रोच क्या होना चाहिए इन 1.5 डे बिफोर एग्जामिनेशन, एंड वॉट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग इन 1.5 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, बिकॉज जैसे पता है कि टैक्स बहुत वास्ट है, तो हाउ शुड वी स्टडी सीक्वेंशियली टैक्स इन 1.5 डेज बिफोर एग्जामिनेशन. जो सीएस शूट का फोकस है, दैट इज ऑल टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. एंड स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि वो 1.5 डे पहले जो उनके पास गैप है उसमें वो थ्योरेटिकल रिवाइज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स. मेरे को ये लगता है कि अगर वो 4-5 क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व कर लें ना, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. और जब वो अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल से इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वो आपको उस समय पहले 8 महीने में इतना रिवाइज कर लेना है कि वो 1 डे 1.5 डे पे practical questions and proper sleep. That will serve the purpose. Plus, you can also analyze. See, every chapter is important. आप कुछ नहीं छोड़ सकते. In fact, इस बार GST के अगर हम questions देखें जो November 2022 में आए हैं, जो hidden theory questions है ना, वो भी डाल दिए. So, ICA is always going to outwit you. ICA तुम हमसे पीछे नहीं रहेगा. उनमें भी बहुत, I mean, they have to obviously choose the best. So, but as educators, sir भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, is
PYQ analysis. So I have a complete mark sheet जहाँ पर हमें पता है कौन से chapters are a little more important than the others. If you look at a chapter of TDS, sir हर attempt में question आता है 8 mark. TDS का और ITR का income tax data. इस बार मैंने अपने you know I took an IQs SAT session which is important questions and special emphasis topics. तो मैंने एक 38 page का उनको booklet दिया, जिसमें मैंने लिखा हुआ है सैलरी का 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वो आ गया. सो व्हेन द टीचर्स आर रेडी टू वर्क हार्ड ट्राई एंड लुक एट व्हाट आई सी इज डूइंग एंड प्रेडिक्ट इट, अगर उसके बाद भी बच्चा नहीं मेहनत करेगा देन इट्स अ प्रॉब्लम. सो यस यू कैन ऑल्सो गो एंड लुक एट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आने वाले हैं. जीएसटी में ITC का क्वेश्चन आना ही आना, तो आप 20-25 नंबर का क्वेश्चन तो एक्चुअली में यू कैन अंडरस्टैंड. सो आई थिंक थोड़ा बहुत हार्डवर्क तो करना ही करना है. Exactly, hard work to plus it's a smart paper, sorry, but it's a smart paper. Like, you know, if you look at all the other competitive exams, whether we look at IIT, IIM, everybody's targeting paper mein pehle ghante mein kya karna hai, next hour mein kya karna hai. We do it in CA as well. If children follow that, results will be there, and results have been there over the years. Yes, yeah. Sir, totally agreed. Every chapter is important, but still, students, there are certain chapters which are definitely more important than the rest of the other chapters. So I think us hisab se if we make the smart planning to 1.5 day mein we can cover it up in a blended manner, I guess. So us hisab se. So any sir, any closing remarks, kya final word of advice to the students related to this tax paper? Don't take this paper only of an academic importance. Agar main ye sochu ki yaar मेरे कोर्स कंटेंट में सर एक पेपर है, मेरे को ये 40 नंबर या 50 नंबर लेके आना है और मेरे को क्वालिफाई करना है, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी गुड अप्रोच. ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हर घर के अंदर काम आता है, चाहे आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड जॉब का हो, गवर्नमेंट जॉब का हो, प्राइवेट जॉब का हो, बिजनेस करते हो, लेट अस से कोई एक्टिविटी नहीं है लेकिन रेंट भी कम आती है, हर घर के अंदर ये वाला सब्जेक्ट काम आता है. इसके साथ साथ में अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, सिविल सेक्टर में है, तो GST काम आता है. तो अगर आप इस सब्जेक्ट को बियॉन्ड एकेडमिक इम्पोर्टेंस पढ़ना स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से एकेडमिकली भी आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. सर वुड ऐड समथिंग? एब्सोल्युटली एग्रीड सर. इनफैक्ट दिस इज वन सब्जेक्ट व्हिच शुड बी टॉट इन स्कूल. यस एग्जैक्टली. सैडली एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस, आई वांट फाइनेंशियल क्राइम. सर बिल्कुल, मतलब टैक्स, यू नो व्हेनेवर आई गो टू अ स्कूल टू टेक अ वेबिनार सेमिनार, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, कुछ भी बनो, आपको एक चीज तो देनी पड़ेगी, वो है टैक्स. एंड वही चीज ना हमें 10th में, ना 11th में, ना 12th में, ना फाउंडेशन में, सीधा सर और मेरे को जिम्मेवारी देते हैं इंटर में बेसिक से शुरू करते. सो यस, इट इज माय थिंग इज डोंट ट्राई एंड टेक इट एज अ पेपर. लाइक सर सेड, सीए बनने निकलोगे तो पेपर पास हो जाएगा, और अगर पेपर पास ना करने निकलोगे ना सिर्फ to see a clear name. So enjoy it and yes, absorb it from the practical end. And let me add on one more thing. ये एक subject ऐसा है जो आपने CA intermediate से पहले कभी नहीं पढ़ा होता. नहीं पढ़ा. Accounts आपने एक बार पढ़ लिया, 11th class. सर एक बार नहीं सर, तीन बार पढ़ के आते हैं. Foundation में पढ़ लिया, law और foundation में आप लोग करके आते हैं. Tax एक subject ऐसा है जो बिल्कुल नया subject है और आपको intermediate पे face करना पड़ता है. And you have to start from scratch and then you have to go on to the highest level. तो उसके लिए आपको एफर्ट्स चाहिए बहुत ज़्यादा, और बड़े कंक्रीट एफर्ट्स उसके लिए चाहिए आपको. अकाउंट्स में एटलीस्ट ये होता है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, बेसिक जनरेटरी कर लोगे, एकदम आगे चलोगे, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं हो पाएगा आपसे. तो यू नीड टू बी डेडिकेटेड एंड सबसे बड़ी बात है कीप पेशेंस विद द सब्जेक्ट, कीप पेशेंस विद द सब्जेक्ट, नॉट विद द टीचर. सब्जेक्ट के साथ पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टाइम एंड अगेन रिविजन उसका करना बहुत ज़रूरी है. रट्टा नहीं मारना किसी चीज़ का, छत में घूम घूम के याद नहीं करना किसी चीज़ को. जो आपके पास कंटेंट है उसी को आपने बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना, उसी से वो चीज़ें दिमाग में बैठनी स्टार्ट हो जाएंगी. खत्म करते करते एक सिंपल सी बात बोलूँगा, व्हेनेवर यू बिल्ड अ बिल्डिंग, पहले 2 महीने ना सिर्फ फाउंडेशन लगता है. इट्स द मोस्ट बोरिंग पार्ट, पीपल डोंट इवन रिमेंबर, दे कांट सी द फाउंडेशन, बट वी ऑल नो कि अगर वो फाउंडेशन नहीं होगी ना, बिल्डिंग स्टैंड नहीं करेगी. सो ये नया सब्जेक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, ABCD ऑफ टैक्स समझना बहुत जरूरी है. उसमें टाइम लगाओ, फटाफट मत करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट तुम्हें ले लूंगा इफ यू टेक इट लाइटली. एंड दिस इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रेड एंड बटर. दिस इज व्हाट यू कैन टेक इनटू टुमारो, नॉन रेजिडेंट प्लानिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग,
इट ब्रांचेज आउट इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी सो इसको एक सब्जेक्ट नहीं है आई थिंक दिस कम्स इनटू मल्टीपल लाइंस सो टेक इट एज दैट इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स टैक्स लॉ ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बट टैक्स नया है पहले नहीं पढ़ा उस पर ध्यान दें दैट्स द बेसिक सो आई थिंक स्टूडेंट्स द गुरु मंत्र हियर इज कि एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो डेप्थ में जानने के लिए एंड इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के हिसाब से पढ़ोगे तो आपकी भी जर्नी आसान हो जाएगी एंड वो एग्जाम्स तो ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट रहेगा ही क्लियर करना उसका राइट सर बिल्कुल एब्सोल्युटली सो थैंक यू सो मच सो एज आई सेड वी हैड 43 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टॉकिंग तो आई एम प्रिटी श्योर इसके आगे आपको टैक्स सब्जेक्ट से थोड़ा कम डर लगेगा ये सब इनसाइट्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टैक्स पेपर टाटा